नमस्कार साथियों, मैं मनोज सुराजी स्वागत करता हूं आपका मिनी संसद के मंच पर। हम हैं जंतर मंतर। जंतर मंतर पर रोजगार अधिकार आंदोलन मंच के द्वारा और अन्य संगठनों के द्वारा भी एक बहुत बड़े स्तर पर प्रदर्शन हो रहा है, धरना हो रहा है, और ये लोग क्या डिमांड कर रहे हैं आइए इनसे ही पूछते हैं। सर, जैसा कि नाम में ही लग रहा है कि रोजगार अधिकार आंदोलन, रोजगार अधिकार की तो बहुत बात होती है, नरेगा भी देश में शुरू किया गया, बहुत सारी चीज़ें शुरू करी गई, लेकिन बड़े निम्न तबके तक ही आ पाई वो, तो क्या क्या कहना है आपका, क्या डिमांड है? पहले अपना परिचय और कहाँ से आए हैं? मैं डॉक्टर के शर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय चिकित्सा संघ। मैं अपने सभी चिकित्सकों के आह्वान पर हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से, बिहार से, सभी दूर दराज आंध्र प्रदेश से, पांडुचेरी, सभी जगह से हमारे चिकित्सक लोग आए हुए हैं। हमारी मांग रोजगार का एक जो हम लोगों ने सब्जेक्ट दिया है, उसका कारण यह है कि देश के अंदर आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, जिनको इतना अनुभव भी नहीं है, उनके लिए शासन मानदेय देता है और उनको मानता देता है। हमारा डॉक्टर दूर दराज में बरसों से प्रैक्टिस करता है। जब आज कोरोना काल में पूरे भारत में कन्या काशवी से कन्याकुमारी तक हमारे चिकित्सकों ने अपनी जान की बाजी लगा करके प्रत्येक कोरोना पीड़ित का मदद की, उसका संज्ञान हमारी शासन को, प्रदेश शासन मध्य प्रदेश को और भारत सरकार को भी है। तो हम इसी तारतम्य में सभी चिकित्सक लोग इसीलिए इकट्ठा हुए हैं कि जो चिकित्सकों ने मेहनत की है, अपना जान लगा दी है, उनके लिए कुछ ना कुछ रोजगार का वो उपलब्ध कराया जाए। क्या डिमांड है आपकी, बेसिक क्या डिमांड है? मध्य प्रदेश शासन का मैं बात करता हूँ। मध्य प्रदेश शासन ने हमारे यहाँ जो कोरोना काल में काम किया था, उन लोगों के लिए एक रूरल हेल्थ हमारे यहाँ संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं मध्य प्रदेश भोपाल से, जो जिन लोगों ने कोरोना काल में शासन की मदद की थी, उनके लिए कोविड की ट्रेनिंग देकर के उनको सर्टिफाई किया गया था। सर्टिफाई करना एक अलग बात है, सर्टिफाई के बाद में उनको कुछ इस तरह की स्टाइफंड, कुछ रोजगार का साधन मुहैया कराया जाए, जिससे आगे और जा करके मनोबल बढ़े। तो आपकी मेन मांग ये है कि जो लोग ऐसे लोग थे जिन्होंने कोरोना काल में काम किया, कोरोना योद्धा थे, जिनको स्पेशल ट्रेनिंग दी गई थी, उनको भी कहीं ना कहीं सरकार एकोमोडेट करे, कुछ रोजगार दे, यही विशेष मांग है आपकी। हाँ, ठीक है सर, हम इसको व्हाट्सएप पे ले लेंगे। अब आप क्या चाहते हैं, क्या सिर्फ राज्य सरकार से चाहते हैं? राज्य सरकार से तो हम चाहते, राज्य सरकार तो हमारे फेवर में कार्य कर रही है, हमको ऐसा लग रहा है, क्योंकि राज्य सरकार ने 2018 में मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य संवर्धन बोर्ड का गठन कर दिया था। इसके बाद में वो कोई कारण से कार्यबंध नहीं हो पाया। अब हमको उम्मीद है कि राज्य सरकार हमारे उस पुराने जो बनाया गया है स्वास्थ्य संवर्धन बोर्ड, उसको लागू करेगी। शासन से, भारत सरकार से निवेदन है कि जो भी 10-10, 15-15, 20-20 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन लोगों को इस तरह का कोई करस्पॉन्डेंस कोर्स करा के मान्यता प्रदान की जाए, जिससे वो चिकित्सक कहलाए और जो देश के अंदर प्रताड़ित होता है, कुछ कोई झोला छाप कहता है, कुछ कुछ कहता है, इस तरह के शब्द से उनको छुटकारा मिले। मतलब जो चिकित्सक हैं उनको मान सम्मान मिले और उनको रोजगार भी मिले, यही आपकी उम्मीद है? हम ऐसा नहीं चाहते, आप हमको ट्रेनिंग दो, 6 महीने की ट्रेनिंग दो, साल भर की ट्रेनिंग दो, इसके पश्चात उनको वेरीफाई करके, उनके लिए अप्रूवल दे करके, उनको देश के अंदर सेवा करने का अवसर प्रदान करें।